नहीं, इसमें देखिए हम लोग ना फ्यूचर को हर टाइम समझते हैं, अगला साल जो जीवन का आगे, नहीं, एवरी नेक्स्ट मिनट इज फ्यूचर. एवरी नेक्स्ट मिनट इज, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर दैट मीन्स नेक्स्ट मिनट ऑल्सो व्हाट विल हैपन, यू विल फॉरगेट द प्रेजेंट, यू विल ड्रैग द फ्यूचर इन द प्रेजेंट, यू विल ड्रैग द फ्यूचर इन द प्रेजेंट. जैसे आपको 6:45 बजे आना है, अब आपने सुबह 9 बजे से 5:45 को क्या किया, ड्रैग करके 9 बजे लिया है, लिया है ना. आपने देखा 5:45, अब आई विल थिंक, आई विल जस्ट प्लान कि मेरे जहाँ से मेरे को रहता हूँ वहाँ से कितनी दूर मेरे को पहुँचने में लगेंगे, मैं उस टाइम पे उसके बारे में सोचूंगा, उससे पहले मेरे को सोचना ही नहीं. इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि आपको अब आदत पड़ गई है ऐसे करने की, तो इसको आस्ते आस्ते ड्रैग करना शुरू करिए. जैसे हम कई बार लोगों को कहते हैं सुबह 4 बजे उठना है, तो बोलते हैं मैं तो 8 बजे उठता हूँ. मैंने कहा एक साथ 4 बजे मत उठिए, नहीं उठ पाएगा. 8 बजे से 7:45 बजे उठ, 4, 5, 6 days लेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक एडजस्ट टू इट, देन 7:30, देन 7:50, देट 7. एक महीना लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु 1-1.5 महीने बाद क्या होगा कि तुम 4 बजे कर लोगे, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी. अब भी अभी क्या होगा कि जैसे ही आप सोचो, एकदम सोचो मैं क्या कर रहा हूँ, 5:45 बजे जैसे, यार जाना मुझे 5 बजे. स्पीक टू योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ, टॉक टू योर माइंड, टॉक टू योर माइंड थ्रू योर इंटेलिजेंस. योर इंटेलिजेंस इज डिफरेंस एंड माइंड इज डिफरेंट. अभी वॉट इज हैपनिंग इज दैट यू आर नॉट टॉकिंग टू योर माइंड थ्रू योर इंटेलिजेंस. अभी माइंड रूल कर रहा है आपको, ठीक है जाना है मुझे 5:45 बजे, तो मुझे निकलना पड़ेगा, ठीक है 5 बजे, आई हैव टू ड्रेस अप एवरीथिंग 4:30 बजे, आई विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट एट 4:30, बस फिनिश. और उसके बाद उसको भूल जाओ एकदम, 4:30 का आराम लगाओ. क्या करो 4:30 का, ये भी नहीं रहे कि बार बार आपको घड़ी देंगे 4:30 तो नहीं होगा, 4:30 तो नहीं होगा, फिर उसमें फंस जाओगे. अलार्म लगा दिया ख़त्म, कि 4:30 मैं उठूँगा. ऐसे ही आपका ट्रेन पकड़नी है आपको 4 बजे, फ्रॉम योर हॉस्टल टिल द स्टेशन हाउ मच टाइम विल टेक, गिव एटलीस्ट 20 मिनट्स एक्स्ट्रा कि ट्रैफिक में फंसे कुछ हुआ. 20 मिनट्स आपने एक्स्ट्रा दिया तैयार करने के लिए, 15-20 मिनट पहले, उससे तो उससे क्या होगा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. अभी क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है बिकॉज यू आर ड्रैगिंग दैट 6:45 दैट 4:00 यू टू कैच द ट्रेन. वो पता लगा सुबह से शुरू हो गया, आपने 4 बजे को ड्रैग करके लिया है, अब प्रेजेंट में लिया है उस फ्यूचर को, फ्यूचर को फ्यूचर में रहने दीजिए. जब आप पहुँचेंगे जब प्रेजेंट बनाएंगे उसको, अभी नहीं बनाना हमें प्रेजेंट, एंड इसके लिए अलार्म लगाना पड़ेगा. और ये हर चीज़ में करना शुरू करिए, तो उससे क्या होगा, कई चीज़ों में होगा कई चीज़ों में नहीं होगा. हो सकता है 10 में से 1 में हो, तो देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रेट विक्ट्री. मैं पहले 10ों में गड़बड़ करता था, अब मैं 9 में करता हूँ, 9 से 8, 7. एंड डोंट बी डिस्टर्ब्ड अगर किसी दिन 10 में 10 में फिर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है यार ट्राई कर रहे हैं, होगा. जब ये उल्टी चीज़ हो सकती है तो सही चीज़ क्यों नहीं हो सकती, होगी. उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा. क्या पैदा होगा, कि एंड नेवर नेवर थिंक दैट आई कैन डू इट, एवरी टाइम बिलीव आई कैन डू इट. इट मे टेक टाइम, इट मे टेक टाइम, एंड पेशेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज. यू हैव टू बी पेशेंट. नाउ यूज योर इंटेलिजेंस. मैं अभी से सोचूंगा मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम खराब कर रहा हूँ, दैट इज इंटेलिजेंस. माइंड थिंक्स फील्स एंड विल्स, इंटेलिजेंस डिस्क्रिमिनेट्स राइट और रॉन्ग को. तो इंटेलिजेंस से कोशिश करो माइंड को, ये शुरू में, और एकदम मत एकदम आप सोचो कोई फॉर्मूला है, एक मिनट वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा. और ये हरे कृष्ण महामंत्र करना शुरू करो, दिस विल हेल्प यू, बिकॉज मंत्र का मतलब ही होता है जो मन को काबू करे, बिकॉज माइंड इज सटल, सॉल्यूशन ऑल्सो हैज टू बी सटल. इससे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, तो टेंशन होगी आपको, और टेंशन बड़ी गंदी चीज़ है. जब ये अगर कंट्रोल में नहीं लेते हम तो डिप्रेशन में निकल जाती है, तो इसको अभी से ही संभाल लो. अभी बता दिया आपको तरीका, ये जाना है अपना बैल लगा दें. अब पता है जैसे हम लोग मॉर्निंग में अगर हमें कहीं जाना है जल्दी 3 बजे जाना है, तो हम
अगर ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता रहा था, अरे और तीन बजे वो रात भर ही नहीं सो पाती, अरे अलार्म लगा के सो जाओ कि अलार्म बजेगा उठ जाऊँ, अलार्म लगा के कई बार ना इतना बदमाश है मन क्या पता अलार्म बजे, अब दो में लगा ले क्या कर ले दो अलार्म लगा दे। ये माइंड प्रभु जी भगवान ने कहा है वर्स्ट एनिमी एंड बेस्ट फ्रेंड, इस बदमाश को मार मार के फ्रेंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि रात भी खराब कर दी अगला दिन भी जो काम का वो भी खराब हो गया उस तीन बजे के चक्कर में, और फिर रोता भी खुद ही है कि आराम नहीं मिला अब खुद का आराम गायब कर दिया और फिर रोता है कि आराम नहीं मिला। हियर वी आर टेकिंग दी बेनिफिट ऑफ द टेक्नोलॉजी, इसी तरह से अपना अलार्म लगा दिया और फिर अपने जो अपना उतनी देर की जो सेवा करनी है अपना काम कर कार्य करना वो करिए मस्त होके, अलार्म इज ऑलरेडी देयर, शुरू में आएगा और सॉरी फिर एकदम अरे यार अलार्म तो लगा रखा है क्यों सोच रहा हूँ, सोचोगे क्योंकि आदत पड़ चुकी है, परंतु फिर उसी को काटो फिर आस्ते आस्ते क्या होगा एक हैबिट में आ जाएगा। स्टार्ट पुटिंग अलार्म फॉर एवरीथिंग, वी गॉट प्रॉब्लम ना हर चीज़ के लिए, एक डेढ़ घंटे के बाद मुझे उसमें आ जाएगा कि एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा डेढ़ घंटे, अब पता लगा उस सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं पा रहा कि डेढ़ घंटे कब होंगे तो उससे कंसंट्रेशन ही नहीं बैठेगी, तो उसके अंदर भी डेढ़ घंटे का अलार्म लगा दिया पढ़ना है, अब मैं अपना अभी पढ़ रहा हूँ जो डेढ़ घंटे का बजेगा उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है,